हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए आज एक नई केक की डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने वेनिला स्पॉन्ज लिया है, आप देख सकते हैं उसको जो पीछे मैंने बटर पेपर लगाया था वो इजीली निकल गया है और हमारा केक टिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अभी इसका मैं लेयर कटिंग कर रही हूँ। इसको हमेशा की तरह मैं 3 लेयर्स में कट कर दूंगी। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं सनफ्लावर डिज़ाइन केक, मतलब केक पे सनफ्लावर बनाएंगे हम। तो आपको मानो एक फ्लावर कैसे बनाना है, कौन सी नोज़ल यूज़ करनी, सब इसमें मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने बेस लेयर पे उसको मैंने सोक कर लिया है नॉर्मल वाटर से और उस पर मैं क्रीम अब स्प्रेड करने वाली हूँ। ये केक मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक बनाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर का बना सकते हो। मैंने अच्छे से क्रीम स्प्रेड कर लिया है। अभी मैं सेकेंड लेयर भी सेम कर रही हूँ, क्रीम में स्प्रेड करूँगी, उस पर मैं स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दूँगी और फिर वो क्रश भी मैं स्प्रेड करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा साउंड में, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब मानो वहाँ पे वो दिन रात ही काम चल रहा है, तो फिर वॉइस ओवर मैं करूँ कब। इसीलिए तो मैं अभी ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी देखो मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें पूरा स्प्रेड कर लिया है और साइड वॉल्स में एकदम क्लीन करके ले रही हूँ केक की। और अभी मैं थर्ड एंड फाइनल लेयर इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी ये साइड वॉल्स में जो गैप है उसमें मैं क्रीम फिलअप करके ले रही हूँ। देखो जो हमारी केक की हाइट है, देखो पहले छोटी लग रही थी लेकिन अभी ये क्रीम फिलअप करने के बाद देखो पूरी हाइट हमारी बड़ी लगती है। तो ये ट्रिक और टिप आप हमेशा याद रखना कि जो हमारी थर्ड लेयर रहती है वो हमेशा अपसाइड डाउन रहेगी और उस गैप में क्रीम फिलअप करेंगे हम। अभी मैंने फाइनल लेयर ऊपर क्रीम का स्प्रेड कर लिया है। मैं इसको क्रम कोटिंग कर रही हूँ और ये क्रम कोटिंग करके मैं हमेशा की तरह इसको फ्रिज में रख दूंगी। सेट होने के लिए अभी देखो ये क्रम कोटिंग करके थोड़ा सा फिर क्रीम में इसके क्रम्स नहीं आएंगे। तो अभी इसको मैं पैलेट नाइफ से लेके केक बोर्ड पे शिफ्ट कर रही हूँ। आप देखना कि मैं कैसे इसको हल्के से बिना कोई लेयर हिले केक में कैसे इसको केक बोर्ड पे शिफ्ट कर रही हूँ। अभी ये मैंने पैलेट नाइफ लिया, मैंने साइड से उसको थोड़ा सा केक के नीचे इंसर्ट कर दिया है, थोड़ा सा केक मूव कर लिया और उस पर केक लेके मैंने केक बोर्ड पे ये शिफ्ट कर लिया और हल्के से वो पैलेट नाइफ मैंने नीचे से निकाल ली है। तो ऐसे ये केक मैंने केक बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया है और ये अभी मैं फ्रिज में लग। अभी हमारा केक सेट होके आया है 7 से 8 मिनट और इसको मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ क्रीम की। आप देख सकते हो ये फाइनल कोटिंग चल रही है मेरी। ये मैं थोड़ा क्रीम का लेयर साइड वॉल्स पे लगा के ले रही हूँ और फिर इसको मैं मेरे पास जो स्क्रैपर है वो स्क्रैपर से मैं इसका साइड वॉल्स एकदम स्मूथ और क्लीन फिनिश्ड करूँगी।
देखो जहाँ जहाँ मुझे कम लग रहा है क्रीम, वहाँ पे मैंने लगा के ले लिया है। और फिर अभी इसको मैं स्क्रैपर से एक जैसा कर दूँगी। अभी इसको मैं क्लीन फिनिश करके पूरा साइड वॉल से भी, जहाँ मुझे क्रीम कम लगती है मैं क्रीम उसको लगा लूँगी वहाँ पे, और इसका फिनिशिंग करके पूरा देखो मेरा केक रेडी है। अभी हम इसके ऊपर जो मैं सनफ्लावर का डिज़ाइन बोल रही थी वो डिज़ाइन करेंगे। अभी मैंने क्या किया है, सनफ्लावर के लिए येलो कलर लगता है तो येलो लिक्विड कलर लिया है मैंने, और उसको क्रीम में मिक्स करके फिर मैंने ये सनफ्लावर नोजल स्पेशली मिलती है केक शॉप में वो लेके आई हूँ। अभी मैंने एक बड़ा नोजल लेके सेंटर में एक थोड़ा सा सर्कल का मार्क किया है ताकि हम सनफ्लावर बना सके सेंटर से। अभी देखो मैं धीरे से उसको स्लांटिंग पकड़ के नोजल और पाइपिंग बैग मैं उसके पेटल्स बना रही हूँ। हाँ, इस पेटल्स के लिए क्रीम आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी स्टिफ होनी चाहिए क्योंकि इसके पेटल्स बन जाए। देखो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे केक की रेसिपीज अच्छी लगती हो और डिज़ाइन अच्छा लगता हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये डिफरेंट सनफ्लावर डिज़ाइन केक कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं सारे पेटल्स बना के लूँगी एक के बीच में एक ऐसे करके, और थोड़ा बीच बीच में है ना हमको नोज़ल का टिप क्लीन करना पड़ता है जब भी ये पेटल्स थोड़ा अच्छे से और नीटली आते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एकदम मस्त नीटली आ रहे हैं ये सारे पेटल्स, और ऐसे में पूरा केक कवर करने वाली हूँ। देख लीजिएगा, ये पूरा केक मैंने ये पेटल्स से कवर कर दिया है। और ध्यान देना कि आप हर टाइम इसका टिप क्लीन किए करना, क्योंकि जब तक ये नोजल का टिप क्लीन नहीं होता तब तक ये पेटल्स एक जैसे और मस्त अच्छे से स्टिफ नहीं आएंगे। तो देखिए इस प्रकार मैंने, आप इसके पेटल्स ईजिली काउंट कर सकते हो, इतने अच्छे और अलग अलग दिख रहे हैं ये मेरे सनफ्लावर के पेटल्स। मतलब अगर आपको बोला कि अंदर से स्टार्ट कर देना काउंट करने के लिए तो आप ये पेटल्स भी काउंट करें, इतना मस्त ये पेटल्स बन गए हैं। इस प्रकार मैंने ये पूरा केक है ना पेटल्स से भर दिया है। और अभी मैं है ना साइड में भी कोई जगह रह गई थी, जैसे ऊपर से हमको समझ में आता है ना, तो देख देख के बस वही फिल कर रही थी मैं सारी जगह, जिससे कि पूरा फ्लावर केक के ऊपर बन जाए। तो दोस्तों आप देखो, आपको ये सनफ्लावर जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल हाँ, बस इसमें ना थोड़ी कमी है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये मेरा पेटल्स पूरा होने के बाद। तो लगभग अभी मैंने पूरा केक कवर ही कर लिया है, और जहाँ पे मुझे गैप्स लग रहे हैं वो गैप्स भी मैं फिलअप कर रही हूँ। अभी दोस्तों मैं इस पूरे केक को आप है ना येलो भी कलर दे सकते थे, मैंने जानबूझ के नहीं दिया। अभी ये मेरा केक रेडी हो गया, जो मेरी येलो क्रीम बची थी उसी में मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, और मैंने लीफ नोज़ल ली है, लीफ नोज़ल से मैंने ये पाइपिंग बैग में फिल करके अभी सनफ्लावर की ये मैं लीव्स यानी पत्ते तैयार कर रही हूँ। और अभी देखना, थोड़ा सा नोज़ल दिखाने वाली क्लिप पता नहीं शूट नहीं हुई है मेमोरी की वजह से, पता नहीं कुछ, मैं फिर भी एक नोज़ल का पूरा वीडियो अलग सा लेके आऊँगी आपके लिए। देखो कितने मस्त येलो कलर में मैंने ग्रीन कलर हल्का सा मिक्स कर दिया, तो येलो और ग्रीन बॉर्डर ऐसे लीव्स आ रहे हैं।
नोजल में से, और मानो इतना मस्त केक लग रहा था। अभी हमारे पूरा फ्लावर रेडी है, बस बीच में जो वाइट सर्कल हमने निकाला था उसमें हम, मेरे पास ये चॉकलेट की वर्मसिल थी, मतलब सेवैयाँ थी चॉकलेट की, तो ये सेवैयाँ मैंने उसमें बीच में ऐड कर दी है, जिससे ये हमारा पूरा सनफ्लावर केक मानो रेडी एंड कंप्लीट दिख रहा है। और एकदम मस्त केक बना था, टेस्ट में भी मस्त और लुक में भी मस्त, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा अनोखा डिज़ाइन सनफ्लावर का कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।